हाय फ्रेंड्स, गोरी आर्ट में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, 10 मिनट में तैयार होने वाले ब्रेड के नमकीन काजू। जैसे कि हम आगे पीछे की जो ब्रेड होती है, ये देखिए, इसको हम फेंक देते हैं, ये इनका कोई यूज नहीं होता। तो आज मैं इनको ही यूज करके आपको नमकीन काजू बनाना सिखाऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो आगे पीछे की दो मोटी ब्रेड ली है, देखिए, और ये सूजी, आधा कप सूजी है, ये अजवाइन, थोड़ा सा थोड़ा नमक और कसूरी मेथी, और ये थोड़ा सा दो चम्मच रिफाइंड लिया है। ये देखिए, इस ब्रेड को पहले हम तोड़ के जार में डाल लेते हैं, ये हम इसको पीस लेंगे। इसमें जो सूजी थी हमारी वो डाल ली, अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी। सबको डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें दो चम्मच जो रिफाइंड लिया था वो इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये मैंने चिल्ड पानी लिया है एक गिलास, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। इसको ढक के रख दिया हमने 10 मिनट के लिए। ये देखिए, 10 मिनट में ये तैयार है आटा हमारा। देखिए, थोड़ा टाइट भी हो गया है। इसको फिर से अच्छी तरह से ऐसे मसल के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तरह से इसको देखिए गोल कर लेंगे, ऐसे पेड़ा बना लेंगे इसका। चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा मोटा बेल लेंगे। दवाई का ढक्कन लिया है, इससे मैं काजू काट के दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से काजू काट लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है काजू की। सारे काजू इसी तरह से काट लेंगे। ये
बचा हुआ आटा है इसको फिर से गोला बना के फिर से बेल लेंगे। काजू की शेप ना देके हम और भी चकोर शेप दे सकते हैं, या हम जैसे मटर बनाते हैं लंबी लंबी वो भी काट सकते हैं इससे चाकू से। ये देखिए ये मैं इस तरह से नाइफ से ये काटूंगी चकोर चकोर, नमक पारे बन जाएंगे। किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हो, हम इसकी मट्ठी भी बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं, नमकीन काजू बना सकते हैं, नमकीन मटर बना सकते हैं। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया, पहले एक डाल के देख लेती हूँ ऑयल गरम है हमारा, देखिए इतना ही गरम रखना है बस। गैस को सिम किया हुआ है, सारे काजू इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से सभी काजू को हम फ्राई कर लेंगे। ब्राउन हो गए हैं ये निकाल लेते हैं अब इनको। इस तरह से पूरा तेल अच्छी तरह से कढ़ाई में ही ऐसे इस तरह से निचोड़ के जब निकालना है इन काजू को। अब इसमें जो हमने चकोर शेप में जो नमक पारे काटे थे वो इसमें फ्राई करेंगे इसी तरह से जिस तरह से काटे। देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये देखिए मेरे पास भेलपुरी मसाला है, मैं ये डालूंगी या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो मसाला डाल सकते हैं हम इसमें। देखिए मटर शेक में भी मैंने थोड़े से बनाए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे ये मसाला इस काजुओं पर कोट हो जाए अच्छे से। देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, चाय के साथ शाम को चाय पीते हैं जैसे चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी अच्छी तरह से पूरा सिक चुका है, ये देखिए थोड़ी देर हम इनको ठंडा करके और ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे, ठंडा कर लेते हैं फिर इनको हम एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। देखिए नमकीन काजू तैयार हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।